डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर दिस रिप्रोडक्शन चैप्टर। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपने देखा होगा कि मैंने अपना जो लेक्चर डाला था वो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू डाला था, इंट्रोडक्टरी सेशन का। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा डिटेल में फोकस करने चलते हैं कि जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जो स्पेशल तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, और वो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली यूरेथ्रा में पोर करते हैं। एंड दी सिक्रीशंस आर एसेंशियल फॉर नरिशमेंट एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के नरिशमेंट के लिए, उनकी मोटिलिटी के लिए ये जो एसेसरी ग्लैंड से ये सिक्रीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था जो एसेसरी ग्लैंड हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये सभी क्या करते हैं, जितने भी एसेसरी ग्लैंड हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो एसेसरी ग्लैंड हैं, वो क्या करते हैं, कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं। एसेसरी ग्लैंड अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं एंड दे पोर देयर सिक्रीशंस इनटू द यूरेथ्रा डायरेक्टली। और वो जो सिक्रीशन है, जो फ्लूइड मिक्सचर बनेगा, दिस जो भी यहाँ से सिक्रीशन आएगा एसेसरी ग्लैंड से, इनका सिक्रीशन अलोंग विद द स्पर्म, जब ये सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिल जाता है स्टूडेंट, सिक्रीशंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड एजी मैंने लिख दिया अलोंग विद द स्पर्म, उस कंडीशन में जो लिक्विड बनेगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज सीमन। और इस सीमन का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, हम लोग ये देख लेते हैं। ये जो सीमन है, ये जो स्पर्म होते हैं उनके वायबिलिटी और मोबिलिटी के लिए सेमिनल फ्लूड जो सिक्रीट होता है सेमिनल वेसिकल से, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, जो कॉपर्स ग्लैंड है वो यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है। तो अगर ये सारे सिक्रीशंस ना हो तो स्पर्म के साथ कंबाइन होकर सीमन का फॉर्मेशन भी नहीं हो। आप इसको बोल सकते हैं दीज आर द मिल्की फ्लूड विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and along with the sperm is fluid mixture which are secreted from the seminal vesicles, prostate gland and corpus gland. They will together form semen. So this is all about the introductory part of semen, students. Thank you my dear students, we will meet again with a new topic. Tab tak ke liye take care all of you.